Hello guys, you are watching Bro's Reaction. My name is Kazim. My name is Honor Rizvi. And my name is Ali Raza. और रिएक्शन वो जो दिल से निकले. तो आज आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ एक नया चेहरा मौजूद है. तो मैं इंट्रोडक्शन इनका फिलहाल नाम से दे रहा फिलहाल नाम से दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज होने क्या जा रहा है. तो ये जो हमारे साथ बैठे हैं इनका नाम है ऑन अली मिर्ज़ा. तो ये कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके पीछे इनका जो खानवादा है वो क्या था, कौन थे वो लोग, तो ये सब बातें हम आपसे और वो इस वीडियो से रिलेटेड इस वीडियो से रिलेटेड और वीडियो का नाम है हज़ारदुआरी पैलेसेस. आगे हिंदी में लिखा है, बाकी थाउजेंड लिखा हुआ, वो हम वीडियो देखते हैं पहले. हज़ारदुआरी पैलेस वो आज हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं और उसके बाद हम चारों बैठ के अभी पहले ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे. महल का नाम सुनते ही दिमाग में एक भव्य इमारत का ख्याल आता है, ऐसी इमारत जिसका बड़ा सा मुख्य द्वार होता है. लेकिन पश्चिम बंगाल में खूबसूरत महल है और इस महल के अंदर जाने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 1000 दरवाजे हैं. हज़ारदुआरी नाम से के लिए बंद रहता है. इसके अलावा आप यहाँ पर कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं. NMF News की रिपोर्ट. सबसे पहले तो ये NMF News की वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं लोग और इनकी वीडियोस हम यूज करेंगे. और बाकी कारण ये है कि हज़ारदुआरी पैलेस के ये जो महल है इसकी एक चीज़ पे सबसे पहले मैं जो हिल गया वो ये बात थी कि 1000 दरवाजे मतलब कोई मायने रखते हैं 1000 दरवाजे. अच्छा, ये हिंदी में जो लिखा हुआ है ये 1000 करके लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हम वीडियो देख रहे हैं उस पे आगे दरवाजा या कुछ ऐसी चीज लिखी होगी जो हमें समझ में नहीं आ रहा. और इन 1000 दरवाजों में से 900 जो दरवाजे हैं वो हैं पत्थर के और जो दुश्मन को यानी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं. बिल्कुल. और इसके अलावा मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा विंटेज कार्स और ये विंटेज कार और इतना बड़ा ये महल बना हुआ है कि बंदा देखते रह जाए और मेरे ख्याल से आप विजिट ही नहीं कर सकते जितनी बड़ी 114 कमरे 114 मतलब मायने रखते हैं. तो दरबार लगता था और यहाँ पे दरबार लगता था और सारे आया करते थे और मतलब बेहतरीन. सबसे अच्छी बात आप कहीं कभी भी यहाँ पे पहुँच जा सकते हैं. हाँ, मुर्शिदाबाद. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं ऑन अली मिर्ज़ा. तो ये कौन हैं और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सस्पेंस था एक जो अब काज़िम आपको बताएगा, जो अब ये आपको पता चलेगा. तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ हमारे चैनल में. वेलकम. और आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है. तो अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने इनको दर्शक को नाम बताया आपका,
तो आप हमें जानकारी दीजिए कि ये क्या चीज़ है और आप किस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप लाउड बोलेंगे तो अच्छी बात है, ताकि वो सब आपको गौर से सुन सकें। हम लोग थोड़ी सी हिंदी यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्योंकि हमें करनी पड़ती कि हमने हिंदी नीचे अपने कमेंट सेक्शन से ही सीखी। बिल्कुल जी। तो आप सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू और तमाम यूट्यूब के फॉलोअर्स का रोज रिएक्शन सही है। मैं अपनी हिस्ट्री की सारी मालूम आपको इस वक्त पेश करता हूँ। सबसे पहले अपने खानवादे के बारे में आपसे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख़ानदान का जो निज़ाम चला और जहाँ से इसकी बुनियाद डली, आखिरी नवाब इस पैलेस के, इस हज़ारद्वारी पैलेस के, सैयद वासिफ अली मिर्ज़ा, अच्छा नवाब बहादुर इनका लकब है। अच्छा। और मैं तस्वीर दिखा देता हूँ कि तकरीबन 80 साल पुरानी तस्वीर है जी। ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। दिखाओ काजिम, दिखाओ उनको, दिखाओ। वैसे हम लगा देंगे, स्क्रीन लगा देंगे। अच्छा और ये आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे भी गूगल कर सकते हैं। साहब अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं कि आप जिस तरह आपने बताया लाश जो ये हैं, तो इनका आपसे बस ये बता दें कि रिश्ता क्या है, तो ताकि तमाम हमारे जो मैं बेसिकली इनका पढ़ना वासा हूं। सही है। और परनवासा क्या होगा, थोड़ा लोगों को परनवासा यानी कि वो आपके पर दादा नहीं नाना थे। अच्छा, पर नाना थे। मेरी नानी मतलब इन आपकी नानी के पर नाना थे ये जी। मेरी नानी के नाना है ये बेसिकली। नानी के नाना, हां, उसके पर नाना जी। और दादा के दादा, मतलब आपका दोनों जो जो दादा और ननियाल, ननियाल दोनों मिलता है, दोनों एक जगह से। अच्छा, उसके आगे हज़ारद्वारी से ही। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और हम बेसिकली हमारा ख़ानदान निज़ामत ख़ानदान से मशहूर है। अगर आप मुर्शिदाबाद जाएंगे, वहाँ पे निज़ाम किला और निज़ाम यानी वहाँ पे मुर्शिदाबाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। वही जानने हमारे व्यूअर्स ही और हम आपसे वही जानने के लिए बैठे हैं आज। मैं आपको सारी मालूम अभी भी पेश करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो हज़ारद्वारी पैलेस मुर्शिदाबाद का सबसे नामी गिरामी, सही, जो अब म्यूज़ियम बन चुका है जी। दूसरे नंबर पे है बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा नाम सुना? बड़ा इमाम बाड़ा मुझे लोगों ने काफ़ी कॉमेंट्स के अंदर बताया था कि इसकी भी वीडियो हमें देखनी चाहिए, लेकिन वो हम देख नहीं पाए थे, तो आप थोड़ा सा उसका बताएं मुझे। अच्छा, तो बड़ा इमाम बाड़ा वहाँ से करीब है जी। बिल्कुल, तो तकरीबन 10-12 किलोमीटर के फासले पर है। सही। अच्छा, मतलब उसके रेडियस 10-12 में रेडियस में। उसके बाद किला है, उसके बाउंड्री को किला कहते हैं, यानी उसके वहाँ पर लाल महल है, रंग महल है, और वहाँ पे एक मस्जिद है जिसे एक रात में तामीर की गई थी। वाह। एक रात में तामीर की गई थी और वो जिन्नों ने तामीर की थी। वाह भाई। मेरी नानी, नातों ने तामीर की थी। आप ये बोल रहे हैं। मेरी नानी के वालिद उनके मैं पहले इसके बारे में बता दूं कि जिन्नात से क्या ताल्लुक है, क्यों जिन्नात ने, हाँ, जिन्नात ने क्यों तामीर की, मतलब ऐसा क्या उनका। हमारे ख़ानदान की कुछ रिवायत है कि जो हमारे ख़ानदान का ख़जाना है वो इस वक्त इंडिया में ही है, मुर्शिदाबाद में। अच्छा। लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता इतनी आसानी से। अच्छा। एक नक्शा है और एक 100 कुंजी का प्याला है। 100 कुंजी मतलब 100 चाबियाँ होती हैं और अच्छा। उसमें कुल लिखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चारों कुल मतलब लिखे उसमें हैं। लिखे हुए। सही। तो वो यहीं पर ही है, पाकिस्तान कराची में है। क्या चीज़? वो कुंज, वो प्याला। अच्छा, हमारे खानदान के पास है। वाह। और मेरे मामू के पास है बेसिकली। यानी ये जो आप माइग्रेशन के बाद आप लोग यहाँ पर आ गए, तो वो चीजें कुछ चीजें आपका, बाकी तो आपने जिस तरह बताया कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपना वो कर लिया था, अब मेरे ख्याल में शायद आपने बताया कि वो गवर्नमेंट ने दे दिया वापस से। जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली 2017 में वो मेरी वालदा के मामू के पास वो केस लड़ रहे थे तकरीबन 15 साल से, तो माशाल्लाह से अभी वो दोबारा उनके हैंडओवर पैलेस आ गया है। अच्छा। और इन फ्यूचर आप ख़ुद देखेंगे वो नवाब
गद्दीनशीन हो जाएंगे। तो आप एक और बात मुझे बता रहे थे कि जैसे कि ये मस्जिद एक दिन में तामीर की गई है, तो जिन्हों से क्या मतलब? जिन्हों से ताल्लुक ये है कि उस खजाने की जो रखवाली कर रहे हैं वो जिन कर रहे हैं। अच्छा। और जब ये पैलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया था तो उस वक्त यानी टैक्सेस वगैरह की वजह से इश्यूज आए थे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भी बना, बंटवारा हुआ, इस वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन अब माशाल्लाह से हमारे पास है और उस ख़जाने की रखवाली जिन कर रहे हैं। और वो एक उस ख़जाना बेसिकली हमारे ख़ानदान में से कोई एक वारिस है। अच्छा। और वो कब है, कौन है, ये नहीं पता, लेकिन वो खुद ही वो जिन उसके पास खुद आएंगे और वो खुद उसके ख़जाने के पास लेकर आएंगे। ये अच्छी बात है। और ये बताएं कि जैसे कि इस वीडियो से पहले तो आपने मुझे एक बात बताई थी कि गुंबद का कोई जिक्र कर रहे थे आप। जी बिल्कुल, वो उसी मस्जिद से ही रिलेटेड है। मैं पहले इसकी मस्जिद के बारे में आपको बता दूं कि वो मस्जिद कहाँ है। मुर्शिदाबाद में ही है, तो इस महल के आसपास ही है वो। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर क्या बता रहे आप? तो इस मस्जिद की तामीर एक रात में हुई, सही, मेरी नानी के यानी मेरे पर नाना के पास कुछ जन आए और कहने लगे कि हमें मस्जिद यहाँ पे तामीर करनी है। तामीर करनी, लेकिन वो इंसानों की आबादी थी तो उन्होंने मना किया। सही। लेकिन वो बहुत इंसिस करने लगे कि हमें तामीर की इजाज़त दें, हम यहाँ पे इबादत करना चाहते हैं। तो बहुत ख्वाहिशात के बाद, बहुत जस्तजू के बाद और बहुत ज़्यादा यानी प्रेशर देने के बाद उन्हें तामीर करने की इजाज़त मिली एक रात में। सही। तो वो मस्जिद बेसिकली एक रात में तामीर नहीं हो पाई, उसका एक गुंबद नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से वो जिन कायम नहीं कर पाए वहाँ पे। ये शर्त रखी गई थी कि अगर एक रात में आपने ये मस्जिद तामीर कर ली तो आप यहाँ पे कायम कर सकते हैं। अच्छा। वरना आप नहीं कर सकते। तो उस मस्जिद का एक ही गुंबद? एक गुंबद नहीं है। एक गुंबद नहीं है, सिर्फ एक है। एक गुंबद नहीं है, तीन है, एक नहीं है। अच्छा, अच्छा। चार की जगह सिर्फ तीन है। तीन है, तो अब मतलब वहाँ जिनका बसेरा, जिनों का बसेरा, जिनों का नहीं बसेरा है, है वहाँ पे। अच्छा। कुछ मौजजात हैं, मैं आपके सामने बयान करता हूँ उसको। कोई भी वहाँ पे भूखा चला जाए और उस मस्जिद के दरवाजे से एक नादरी पड़ता हुआ उस दोबारा उस जगह पे आएगा तो उस भूखे को वहीं पे खाना रखा मिल जाएगा। वाह, ये क्या बात है। और दूसरी बात के वहाँ पर जो शेर हैं वो अपनी धूम से झाड़ू लगाते उस मस्जिद उसके चौखट की। ये भी एक मौजूदा है। मैंने जितने जितनी बातें हैं मैंने देखा तो नहीं, क्योंकि मेरी पैदाइश पाकिस्तान कराची की है। तो मैंने अपने पुरखों से सुना, अपनी नानी से सुना ये सारी बातें मैं। अच्छा, और मुझे एक बात बताइए, जो म्यूज़ियम का उन्होंने बताया और हमने वहाँ पे एक बहुत बड़ी बुलेट रखी हुई देखी, उसका क्या थोड़ा सा बताएंगे आप? ये पाकिस्तान बनने से पहले जब किला निज़ामत सिराज दौला के ज़माने का एक किला है। अच्छा। उन्होंने ये पैलेस बनवाया था और ये आप जानते हैं तरीके से कि वहाँ पे भूल भुलैया बहुत मशहूर है। हाँ, भूल भुलैया का मैंने काफ़ी नाम सुना है। तो ये उसी पैलेस के एतराफ में ही है भूल भुलैया, और इस पैलेस के तहखानों में कुछ ऐसे रास्ते हैं जो भूल भुलैया के बिल्कुल यानी मिलते हुए तो ये उसका एक छोटा सा नुक्ता है, समझ लें कि पैलेस से उस भूल भुलैया का बहुत एक गहरा ताल्लुक है। और वहीं पर नहीं, वहाँ पे एमुनेशन जैसे ये जब तो मेरे ख्याल से वो जंग लड़ने के लिए सब सामान रखा करते थे। में बताया बिल्कुल ऐसा ही है कि जब सिराज दौला मीर जाफर, आप नाम से वाकिफ होंगे इनकी हिस्ट्री से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली एक बादशाह थे और इनका जंग से बहुत पुरानी जैसे एक जंग होती थी कि सामने दूसरे मुल्क से जंग हो रही है तो इस तरीके से जंग हुआ करती थी, तो इसलिए ये सारे पुराने औजार। तो क्या और भी कोई ऐसी तस्वीर है जो आप हमें दिखाना चाहेंगे? ये तो नवाब बहादुर वासिफ अली मिर्ज़ा की है। बिल्कुल। फिर से नाम बताइएगा एक बार। नवाब बहादुर वासिफ अली मिर्ज़ा। वासिफ अली। और ये मेरी नानी के वालिद की। ये भी इंडिया की है। बिल्कुल। ये इनके ये कौन है? ये मेरे दादा।
अच्छा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही तो होगी पिक्चर। ये वैसे पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं दिखा दूँ, शायद आपको ऐसे ना दिख रही हूँ। तो ये है कि आपकी स्क्रीन पे ये पिक्चर्स आ रही होंगी। और जैसे अच्छा, कि पुराना नाम इसका बड़ा कोठी करके मैंने सुना, उसमें के कोठी कहते थे इसको पहले। कोठी नवाबों के उसमें कहा जाता था, लेकिन कोठी बेसिकली एक रहने की जगह कहा जाता है कि जहाँ पे सही नवाब कायम करते थे। सही, लेकिन पैलेस एक हिंदी वर्ड है। सही, तो इसी वजह से हिंदी वर्ड क्या, एक पैलेस तो आप किसी भी जायंट चीज को भी कह सकते हैं पैलेस, ये बात है कि, लेकिन मुझे एक बात है, हाँ पैलेस इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 1000 दरवाजे, मतलब ये मायने रखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसके दरवाज़ों के पीछे बहुत बड़ा राज है। क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी नानी से सुना था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पैलेस को टेक ओवर किया था, तो वहाँ पे 3 तहखाने थे। अच्छा, महल में? जी, तो 3 तहखानों में से 2 तहखाने खुले गए थे, 1 तहखाना नहीं खुला। क्यों? वो वजह ये है कि वो एक तो बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल नहीं, और वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं। अच्छा, और कहा जाता है कि वो ये तहखाना भूलभुलैया से मिलता हुआ है। अच्छा अच्छा, वो सही। और जो 2 तहखाने थे उसमें से सोने की ईंटें निकली थी, और 30 दूसरे तहखाने में से जवाहरात, अशरफियाँ और मोतियों के हार, ये सब निकले। तो ये 1000 दरवाजे वैसे बनाने की ख़ास वजह क्या, कोई आपने सुना कि नानी या किसी ने आपको बताया हो, या फिर महल के उससे बना दिए उन्होंने के बाद महल है तो हज़ार दरवाजे होंगे? इसके 1000 दरवाजों के 1000 राज हैं। हाँ, ये बात भी सही है। आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? सर, मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगा कि अब इन फ्यूचर आप लोग जिस तरह अभी आपने बताया 2017 में केस जीत चुके हैं और अब इन फ्यूचर इंशाल्लाह वो गद्दी नशीन हो जाएंगे, तो इन फ्यूचर आप लोग का कोई ऐसा कोई प्लान है कि अब आप लोग ज़रा इंडिया की तरफ ये दोबारा से हज़ारदारी पैलेस की तरफ आप लोग मूव करेंगे या वहाँ जाएंगे या कुछ अरसे के लिए रहेंगे, कुछ इस टाइप का आप लोगों का कोई प्लान है? इंशाल्लाह, अगर वहाँ से भी इनविटेशन आया हुआ भी है। अच्छा, और मेरी रानी की वैसे 2014 में डेथ हुई थी, तो नाना है और दादी और दादा का, बाकी जैसे आपकी मदर फादर वगैरह सारी बातें, तो आप लोग जैसे जाएंगे अब इंडिया की तरफ? अच्छा, ये वेस्ट बंगाल में है, और क्या कहते हैं इसको, किस नाम क्या था, डंकन मैकलियोड करके नाम लिया था जिन्होंने इसको तामीर किया था 18th-19th सेंचुरी में मेरे ख्याल से। तो ये मेरे ख्याल ये कहाँ से ताल्लुक रखते थे, कोई आपको अंदाजा है? ब्रिटिश या ब्रिटिश ये कर्नल थे मेरे ख्याल से कोई। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा वासिफ अली मिर्ज़ा के हवाले से, ये लखनऊ, हैदराबाद, दक्कन, इन सिटीज़ के खूबसूरत मर्दों में से एक मर्द थे। अच्छा, जिनको खूबसूरती का एक लकब दिया गया था। वाह वाह, क्या बात है। तो अच्छा, मेरी स्क्रीन पे अभी मैं मोबाइल में ही सर्च कर रहा था, एक नाइट व्यू आपको अभी स्क्रीन पे आपकी आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत, द ग्रैंड पैलेस ऑफ हज़ारदुआरी एट नाइट, बहुत। तो अच्छा, ये सब पिक्चर्स और ये जो हम बता रहे हैं वो सब आपकी स्क्रीन्स पे शो होंगी, और आप इसको ज़रूर देखिए। और थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और आपने हमें इतना टाइम दिया, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रही मेरे हिसाब से। तो बाकी व्यूवर्स बताएंगे कि इन्हें ये वीडियो कैसी इनको लगी। ये पता होगा कि हमने एक नई चीज़ करने की कोशिश नई चीज़ करने की कोशिश और एक रिएक्शन तो हम करते हैं। और रिएक्शन मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा आप भी कैमरा फेस करें ताकि व्यूवर्स को पता चले कि वो आपको देख सके। तो रिएक्शन वैसे देखा जाए तो हर कोई अपने अपने अंदाज से करता है, लेकिन आज हमने सोचा कि हम बाकायदा ये रिएक्शन के साथ साथ इंटरव्यू करें और कोशिश करें कि हम जितना डेप्थ में आके आपको बता सकें, समझा सकें, और ताकि पता लगे कि हमने भी कुछ करने की कोशिश की। तो आखिर में मैं बस इनसे इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मीर साहब का कि उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। तो बस इसी वीडियो को यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो यू गाइस आर वाचिंग ब्रोज रिएक्शन, माय नेम इज काजिम, हिज नेम इज ऑन एंड हिज नेम इज अली रज़ा, एंड गुड बाय।